और क्या, घूंसा मारने की ना, पटकी मारने की है, मार देगा। चलो भाई चलो, चलो हो गई। वुमेन वुमेन रेसलिंग भी शुरू है यहीं पर आज। हेलो भाई लोग, वेलकम टू द ब्लॉग। तो भाई आज हमारे खेत पे ईंख बुएगी और सुबह का बोल रखा मम्मी ने कि सुबह से बुआएंगे 8:30 बजे करीब। लेकिन भाई मैं 8 बजे करीब उठा और घर वाले 8:30 बजे का बोल के बल्कि 7:45-7:50 तक निकल गए। और जिसके बाद भाई मैं अपना फ्रेश वगैरह होकर बहुत जल्दी जल्दी मैं खाता पीता आ रहा हूँ और अपना ब्रेकफास्ट बनाने तक का टाइम ना मिला। एक अपना दाल का पैकेट लिया और एक अभी अपना गवावा का वो लिया जूस और इसे लेके एकदम खेत पर भाग रहा हूँ और अपने गेहूं में पहुंच गया। और किसी ने तार खोल रखा तो इस तार को लगा दूं और उसके बाद डायरेक्ट खेत पे मिलेंगे भाई। अभी खेत पे आते आते ना मेरी आंखों में से नींद भी ना खुली ठीक से और मैं सोच रहा कि भाई अपना नींद वगैरह खोल के जाऊंगा घर से ठीक से, मतलब खा पी के जाऊंगा। नींद अब खुलेगी खेत पे जब चलाऊंगा ना बलकटियां। लेकिन उससे पहले भाई अपने खूड़ कटवा ले। मैं अभी पहले खूड़ कट रहे हैं और पीछे अपना बीज भर रहे हैं और जो थोड़े बहुत बच्चे हैं वो भी बाद में आएंगे। तो जिसके बाद भाई ये वही वाला खेत था जिसमें हमने खाद डाला ना, जिसमें हमारा ट्रैक्टर फंस गए, तो उसी में बो रहे हैं भाई हम। एक नाली कड़ी है भाई, दूसरी नाली लेके आ रहा है लौंडा अभी। नसीब ही खराब है भाई बिल्कुल, मतलब मेरे पहले आते ही कुछ ना कुछ, मतलब मेरे खेत पे आते ही कुछ ना कुछ होना जरूर है। इससे पहले जब मैं आया खाद की ट्रॉली वो फंस गई और आज मैं आया अपने अच्छे खासे सही खूड़ कट गए। ये वाले दो एक खूड़ है ना, आके यहाँ बैठ के देखने लगा क्या हिसाब चल रहा है क्या ना चल रहा। और थोड़ी देर बाद में देखा जो लेजर है ना उसकी एक फाली टूट गई। अब उस लेजर को घर खड़ा करने गया है और अब दूसरा लेजर लेके आएगा किसी और का मांग के। तो पता ना यार मेरे साथ तो क्या ही हो रहा है, पैर में चोट लग रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। और किस किसकी करवा दी तुमने लड़ाई? इंदर की कृष्णा की? कौन पीट रहा है इंदर? कहाँ है कृष्णा? पूरा बैठा हूँ। अवे कृष्णा तू बार बार पिट रहा है इससे है? चल भाई हब कही देगा तू, चल और क्या, घूंसा मारने की ना, पटकी मारने की है, मार देगा। चलो भाई चलो, चलो हो गई, चलो यहाँ लड़ो बीच में। हाँ खेत में ही, मतलब चलो भाई युद्ध मैदान की तरफ प्रस्थान करो। युद्ध मैदान में प्रस्थान कर चुकी है ये हमारी एक टीम। तो मुकाबला होने वाला है किस किस के बीच है, कृष्णा और इंदर। पाले की जरूरत ही ना, पूरा खेत तुम्हारा, कहीं तक भी रोंद मारो। चलो भाई, अरे हो जाओ शुरू। एक बस बस बस, कृष्णा पहला राउंड कृष्णा जीत का। एक और तीन राउंड करवाएंगे तीन, ठीक है? चलो भाई दूसरा राउंड शुरू करो। कृष्णा अरे अभी ना हुआ कमर चित्त हो। ओबे ओबे कृष्णा पीट का भाई आपका। ओबे ना सुनो, यूं जीता है इंदर जीता क्योंकि पहले जो कमर ना कृष्णा की चित्त हो गई। तो एक एक राउंड जीत गए दोनों, ठीक है? लास्ट राउंड जो जीतेगा वही विजेता है। एक दो तीन चलो। कृष्णा जीत गया भाई, कृष्णा जीत गया भाई। कृष्णा का हाथ उठा दे एक तरफ ऐसा करके, कृष्णा मुझे ये एक बार हल्ला कर दो सारे। वुमेन वुमेन रेसलिंग भी शुरू है यहीं पर आज। चलो चलो चलो, पिट गई। सेकंड राउंड शुरू। एक दो तीन ओ लपो।
ओबे भाई बराबर चल रहा मुकाबला। आज का भैया तो कृष्णा है, दूसरे में शिवा है, तीसरे में लब्बो है, और आज के इस युद्ध स्थल को यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगला युद्ध होएगा सूरज निकलने के बाद कल। भाई अपनी ईख वगैरह तो बू गई और अपना नहा धो के सेट हो गए घर आके, लेकिन भाई जब तक मैं ईख बुआता रहा मतलब आगे पीछे भागता रहा तो कोई दिक्कत ना हुई, लेकिन जैसे घर पे आकर रुका हूं ना और 10-15 मिनट का रेस्ट लिया है, मेरी चोट में इतनी तेज दर्द हो रहा है भाई, इतनी तेज दर्द हो रहा है। दिखा सके क्या चोट भाई? यार चोट दिखाने लायक ना यार, नहीं तो दिखा देता मैं। मतलब इतना ज्यादा सूज गया ना मेरा घुटना नीचे से, जो मतलब मोस्टली चोट है ना वो खाल जो है वो छूट गई, लेकिन उसके नीचे जो हड्डी ना उस पर ज्यादा चोट लग गई, जिस वजह से मेरे को पूरा घुटना जो सूजन दिख रहा है। मैंने मम्मी वगैरह से बताया, मम्मी बोल रही कि एक काम कर, कल तुम पट्टी करवा के आया यहाँ गाँव में ही, तो बोले कि अब तू ब्रजघाट चला जा, वहाँ दिखा गया थोड़ा ठीक से डॉक्टर से, और इसकी दवाई वगैरह लेके आ, तो इसकी दवाई भी लेके आनी है मुझे अभी, और खेत पे भी थोड़ा सा काम है तो खेत का भी काम कर लूंगा यार। तो भाई जो काम था पापा ने दिया वो बोले कि खेत पे पानी लगा दियो, लेकिन पापा मेरे से पहले खेत पे पहुंच गए तो उन्होंने खुद पानी लगा दिया। ये रहा भाई पानी, और क्या लग रहा है ना भाई मूड, मतलब क्याड़ा सीन लग रहा है। और उसके बाद जो हमारी लीक है भाई उसमें भी भर गया, और ये गाय दिख रही सामने खड़ी हुई, ये वही गाय है जो भी कल परसों हमने ब्लॉक में पकड़ी, लेकिन मैंने तरस खा के यार हमने कहीं से छोड़ो यार परे को क्या जा रहा है अब, क्योंकि नुकसान ही है अब, जब भी न कर रही क्योंकि गेहूं हमारे जो थे वो खत्म ही हो गए, और जो थोड़े बहुत रह रहे हैं वो खाने के है ना, क्योंकि उनमें बाल आ गई, तो खैर हमने यार ये छोड़ छाड़ दी जबी। और अगला काम अब ये है कि ये पानी चल रहा है ना गेहूं में, और उसके साइड में ईख भी है थोड़ी सी हमारी, तो गेहूं के साथ साथ ईख भी भर रहे हैं हम दोनों एक साथ। जब गेहूं भर जाएंगे तो समझ लो ईख में पानी जाना शुरू हो जाएगा, और ईख में पानी जाना शुरू और यानी कि ईख भर गई, अबे यार क्या लग गया, और ईख भर जाएगी यार गेहूं दोनों साथ भर जाएंगे, तो उसके बाद मैं अपनी ट्यूबवेल बंद कर दूंगा। तो अभी मैं पहले चेक कर लूंगी हकीकत में भरगी ना भरी, और पास जाकर देखनी पड़ेगी भाई ये तो है ना। अबे भाई साहब ये क्या भसड़ हो रखी है यार, यहाँ इतना पानी तो वहां पहुंचना था जितना यहाँ रुक जा रहा है, क्या हिसाब है वो कैमरे की मदद से देखा जाए। अरे भाई पाइप ही फट गया तो इतना सारा, कोई दिक्कत ना यार अपने खेत में ही जा रहा फटी हुई पाइप से भी। रात हो चुकी भाई, बहुत भपका हो रखा है भाई इसके अंदर तो यार। तो भाई अपना खेत वगैरह गया भर, जिसके बाद हमारा फाइनल काम रहेगा कि आज की मोटर बंद करनी है, तो अपनी मोटर बंद होगी, एक भी भर गए गेहूं भी भर गए, और इसी के साथ करते हैं आज का अपना छोटा सा ब्लॉग एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।